गाइस, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ पंडाल होपिंग। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं हूँ भवानीपुर के शिव मंदिर साइड में, और यहाँ पे एक्चुअली तीन बहुत ब्यूटीफुल पंडाल्स बने हैं, तो उन्हें हमें देखना है। और फिर वहाँ से हम एक मंदिर भी है जो कि कोना हाई रोड साइड में पड़ता है, वहाँ भी जाना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ पे कितनी कुछ है, लाइक सिरेमिक की चीज़ें, वुड की चीज़ें। और गाइज, ये पहली माता रानी, ये छोटा पंडाल है एज़ कम्पेयर टू द जो मैं अभी आप देखेंगे वो दो से, तो ये बहुत छोटा है बट स्टिल बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद गाइज, अभी हम चल चुके हैं एक और पंडाल में, तो यहाँ पे ये एक और पंडाल है। एंड यहाँ पे भी गाइज सेम बिल्कुल मेरा जैसे, मतलब सब लगा कर बैठे हुए हैं लोग, सिरेमिक की चीज़ें, ट्रे, वुड की चीज़ें, और फिर रग, ये सब भी है। तो देखते हैं। एंड वैसे पंडाल सामने से तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, अगर मैं रात में आती तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता, बट रात रात में ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता। अभी इतना क्राउड है तो सोचिए रात में कितना क्राउड होगा, इसीलिए मैं नहीं आई, नहीं तो मैं आती। एंड यहाँ से गए, जब अंदर जाओगे तो देख सकते हो अभी असली क्राउड शुरू होता है। यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं तो देख सकते हो गाइस कितना क्राउड है, बट ब्यूटीफुल है पंडाल। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, एंड ये सारी जो चीज़ें हैं वो वुड और ब्रिक से बनाई गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं माता रानी कैसी है। तो वहाँ पे देख सकते हैं गाइस, वो माँ दुर्गा की मूर्ति भी है वहाँ पर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बट गाइस क्राउड इतना था ना कि आप मतलब खड़े नहीं हो पाओगे। लिटरली मैंने जो वाइट शूज़ पहने थे वो ब्लैक हो गए हैं पूरा, इतना क्राउड था। तो सोचो शाम में ई कितना क्राउड होता, इसलिए हमने मतलब इवनिंग प्रेफर नहीं किया, मॉर्निंग में ही घूम लिया। एंड नाउ गाइस, दिस इज़ द थर्ड पंडाल। ये भी बाहर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो कितना मतलब सुंदर से ये ऐसे किया गया है, ये डिज़ाइन किया गया। मेरे को बिल्कुल वैसा फील आ रहा है कि किसी की शादी नहीं होती, शादी में भी ऐसे डिज़ाइन करते हैं, तो वही फील आ रहा है। बिल्कुल शादी में भी ऐसे ही सजाया जाता है ना, तो बस वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एंड यहाँ पर आप ज़रा क्राउड देख लो, मैंने माता रानी की जो फ़ोटो बिल्कुल जूम करके ली है, तो आप क्राउड देख सकते हो कितनी क्राउड है यहाँ पर। एंड ये भी बहुत ब्यूटीफुल था, अच्छे से सजाया गया था, बट बहुत ज़्यादा ही डिज़ाइन था और क्राउड तो इतना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, और इसको शायद आर्ट म्यूज़ियम भी बोला जा रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं राम मंदिर। एंड ये जो मंदिर है ना वो कोना हाई रोड से जाते ही पड़ता है। एंड गाइज, ये बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे उतनी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए मैं उतनी वीडियोग्राफी कर नहीं रही हूँ, बट इट एक्चुअली सो ब्यूटीफुल कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। यहाँ पे मेरी मम्मी रही, यहाँ पर देख सकते हैं मतलब इसका इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल है, वो तो बहुत अच्छा लगा ये मंदिर।